चिप ऑन अ चैंप. ये बहुत बड़ी ऑनर की बात है. नहीं बहुत हमारे आप यहाँ पे कॉफी मंगाओ तुम्हारे लिए. मैं जल्दी से कॉफी पियेंगे, चलेंगे जल्दी से वर्कआउट करते हैं. सैटरडे नाइट है ब्रो, थोड़ा सा डिनर डिनर पे उसके बाद अच्छा सा हो जाएगा. कॉफी पियोगे? जान भाई प्लीज दो कॉफी कर दे. मैंने तो एक ले ली, एक कॉफी आजम के लिए कर दे प्लीज. मैच कैसे गया तुम्हारा कल? ओह इट वाज अमेजिंग ब्रो. हां बहुत मजा आया कल तो. कितने की? मेरे साथ एक नॉन स्ट्राइकिंग पे एक बंदा था, उसका नाम था शहजर मोहम्मद. यार मेरी तारीफ है, उसने काफी मुझे सपोर्ट किया है इसमें. हां हां वो कैसा है ब्रो? वो कैसा खेला? ओहो हो क्या खेला, क्या की तारीफ कर रहे हो. कसम खाओ क्या खेला और क्या खिलाया है ये अपने बंदे को. पार्टनरशिप की बात कर रहे हो यहां पे? हां यार वो 110 रन की पार्टनरशिप थी. आगे जो तुमने असगर को इतना लंबा छक्का मारा, मैं वहीं पे फिदा हो गया यार. बस माय न्यू बिग वर्ड असगर. असगर असगर इज लव ब्रो. हम असगर आज भी कौन सी टीम से खेल रहे हैं? पीएसएल में? नो ही इज नॉट प्लेइंग दिस ईयर. चलो गुड लक, एंजॉय. आप खेल रहे हो इंशाल्लाह, कोशिश करना. नो प्रेशर, लंबे लंबे छक्के. नहीं आपने ट्रेनिंग इतनी कराई है तो अब आई थिंक प्रेशर होगा. न्यू फिटनेस वगैरह अच्छी. नहीं मैंने सिर्फ ट्रेनिंग कराई है, स्किल वर्ड तो सिर्फ आपका है. माइक टाइसन वाली तुम्हारी जो पावर है, पाकिस्तानी तुम जान लेके जो घूम रहे हो अभी. आई थिंक तुम्हारी गर्लफ्रेंड भी तुम्हें इस नजरों से नहीं देखेगी जिस नजरों से मैं तुम्हें एक्चुअली देखता हूँ, तुम्हारी कैपेबिलिटीज पे और पोटेंशियल. नहीं नहीं नहीं, गले मिलने का दिल चाह रहा है मुझे. ये आज तो खा रहा हूँ टू बी ऑनेस्ट. चिकन एंड स्वीट पोटैटोस. हाँ लेकिन तुम्हारा खाने कितने तुम्हारे के जी डाउन हो गए? 13 के जी डाउन. और खुश हो गए? नहीं हो? हाँ खुश हूँ लेकिन सैटिस्फाइड नहीं हूँ अपना. क्यों? जान गाऊंगी तुम्हारी? नहीं नहीं नहीं, जान उतनी है. हम्म, मेरी जान उतनी है. आप टेंशन ना ले, जान भी कम हो. लेकिन तुम जो पहले दिन आए थे तुमने एक्चुअली मुझसे बोला था कि यार लगता है कि मैं कमजोर हो जाऊंगा इसलिए मैं अपना वेट लॉस नहीं कर सकता. ऐसा तो बिल्कुल ही नहीं हुआ. ऐसा खैर नहीं हुआ लेकिन 85 पाउंड 90 पाउंड स्नैच इज नॉट इजी फॉर एनीबॉडी टू डू एंड यू डू इट फ्लॉलेस दिस विद इन वीक्स. सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन इफ यू ट्रेनिंग फॉर 8 मंथ्स सीरियस टॉक्स पीएसएल के बाद भी तुम मुझे नजर आएगा ना? आना आना ब्रो इंशाल्लाह. अब पीएसएल गोल थोड़ी है, पाकिस्तान इज द गोल राइट. कॉफी पीनी है? हाँ कॉफी बोला ना अभी बतला रहे हो. इजाज भाई अभी बाहर बाहर पीते हैं पता है? चलो बाहर पीते हैं, व्यू अच्छा है. व्यू देखने हैं तुमने? हाँ व्यू दिखाते हैं एसएमएफ हाउस का. आ जाओ आ जाओ. रोमांचिक बताएं आजम. देख तेरे साथ मिलके दो साल पहले हमारी जो दोस्ती हुई है, ऑनेस्टली स्पीकिंग गुड आउट ब्रो. बस यार मजा आ रहा है ब्रो. अब आजकल जो बात है ना ट्रेनिंग का, झूठ बोल रहे हैं सच बोल रहे हैं? नहीं नहीं ब्रो सच बोल रहा हूँ यार, इतना मजा आ रहा है. तुम लुक फॉरवर्ड करते हो कि तुम रात को थक हार के मेरे पास आओगे ब्लैक कॉफी पी के जो हम लोग भी पी रहे हैं. हां मैंने यही सोचा था कि आज मैं आऊंगा ब्लैक कॉफी पियेंगे फिर साथ जाएंगे ट्रेनिंग पे. हाँ सैटरडे को सैटरडे एक्स्ट्रा सेशन हो जाए. एक्स्ट्रा सेशन होना चाहिए ना भाई दिन में, जो बात है. मजा आ रहा है तुम्हें? ओहो हो ऐसा वैसा. खाने पीने में तुम क्या कर रहे हो आजकल? खाने पीने में खा रहे हैं यार बस जो आपने बताया हुआ है. मैंने क्या बताया आपको जरा बताएं तो. एक्ट करें कि यहाँ पे कोई कैमरेज ही नहीं है तो ब्रो मुझे खुल के बताएं क्या खा रहे हैं यार. मैं आजकल खा रहा हूँ देखें, मैं चिकन खाता हूँ, मैं दोपहर में सैलड्स खा रहा हूँ और शाम में ब्लैक कॉफ़ी पी लेता हूँ जैसे मैं अभी पी रहा हूँ यहाँ पे. तो लेकिन गुड थिंग ना, मज़ा आ रहा है काफ़ी ब्रो. तो ब्रो तुम पहले क्यों नहीं कर रहे थे ऐसी ट्रेनिंग, अब जाके क्यों? ब्रो पहले मुझे शहजर मोहम्मद मिला नहीं था ना. ये मैं ये नहीं सुनना चाह रहा था कि तुम मेरी तारीफ मेरे सामने थोड़ी और ही कर दो ब्रो, अच्छा लग रहा है. नहीं शहजर मोहम्मद इज़ अ ग्रेट ट्रेनर, जो बात है. नहीं अब न्यूट्रिशन भी आई है ना, लाइक न्यूट्रिशन पे काम कर रहा हूँ तो या आई कैन सी द रिजल्ट्स राइट. तो उसमें काफी मजा आ रहा है कर रहा हूं ट्रेनिंग. तो मोटिवेटेड पूरा ग्रह रहे हो कि जब थकते हो तो मूड नहीं होता आने का? दिल से बता ब्रो. देख नहीं नहीं मेरा ये जब मैं ज्यादा थक जाता हूं तो मैं कॉफी पे इसलिए बुलाऊं कि तुमसे मैं दिल से बात कर सकूं कि भाई क्या चल रहा है. देखिए ब्रो सीधी बात है, जब मैं थकता हूं मैं सीधा आपको बता देता हूं कि यार मैं थका हुआ हूं, बट यू आर द वन जो पुश करता है कि नहीं भाई आ जाओ, यही तो टाइम है, यही तो करना है. It's all about extra, right? Like आपको करना है. यही तो होता है bro कि जब you gotta work hard when nobody's watching you, you know. Exactly. फिर सब देख रहे होंगे under the limelight, बोलेंगे ओह कितना successful हो गया, लेकिन किसी ने मेहनत नहीं देखी कि जब कोई भी नहीं देख रहा था, जब सो रहे होंगे लोग तुम उठ के कर रहे होंगे. So effort bro. बस यही है अब और क्या है यार, बस effort कर रहे हैं. इंशाल्लाह कोशिश करेंगे आगे भी जाके पाकिस्तान को represent करें bro.
आप भी इस लाइन में हैं एक साथ बैटिंग करने में वापस कितना मजा आएगा जो बात है। एक ही बार बैटिंग की हमने और उस वक्त इतने मजे ब्रो मैं दूसरे एंड से इतना एंजॉय कर रहा तेरे छक्के मैं भी मतलब कि मुझे देखने की जरूरत ही नहीं पड़ रही थी कि उसे बॉल के देख मैं बोला ये तो बहुत लंबा गया बहुत लंबा गया जल्दी से कॉफी खत्म करते हैं जो बात है थोड़ी सी ट्रेनिंग करते हैं जो बात है अभी जाना होगा हम लोगों को बहुत जल्दी लेकिन सबसे बड़ा छक्का तुम्हें कौन से बॉलर को मारना है इस PSL में सबसे बड़ा छक्का काफी बॉलर्स हैं हां आई होप कि अगर कोई इंटरनेशनल बॉलर हो जैसे डेल स्टेन वगैरह उस पे अच्छी बारी लग जाए तो लाइक काफी हाईलाइट मिल सकता है मुरे मोइन भाई की तरह फनफुट पे स्वीप के छक्का मारने नहीं 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 उनकी तरह तो कोई भी नहीं खेल सकता भाई मैं तो बहुत मुश्किल से मैं फास्ट बॉलर को स्वीप नहीं मारता मैं सिर्फ सामने मारता हूं बहुत लंबे मारता हूं आपने देखे हैं यकीनन मैंने लास्ट दो दिन पहले भी देखे इंशाल्लाह कुछ दिनों में दूसरे हमारे जो मैचेस होंगे उसमें भी देखेंगे तो मजा आएगा इंशाल्लाह तो ब्रो आई थिंक वी शुड लीव लेट्स गो ब्रो लेट्स गो वर्क आउट ऑन कोशिश आजम के साथ ट्रेनिंग की इसके अंदर अभी इतनी पावर एक्चुअली है कि इसको थोड़ा सा अपने बॉडी वेट उठाने में बैलेंस करने में इसको इसकी थोड़ी बहुत वीकनेसेस हैं इसके पास प्योर स्ट्रेंथ है मेरी कोशिश के साथ ये कि अभी इसको मैं इसको जब अभी शुरू करा रहा हूँ ट्रेनिंग कराना तो उसको फुल बॉडी एक्टिवेट करूँ उसके सीनेस को एक्टिवेट करूँ गेट हिम स्वेटिंग एंड देम और गिव हिम अ नाइस फुल बॉडी स्ट्रेंथ वर्कआउट लंच क्लीन हाई नी कराए ऑफ द बेंच एलिवेटेड और इसके साथ मैंने इनको डंबल सिंगल डेड बग्स कराए मेरी कोशिश आजम को अभी जो शुरू कराते हुए यही है कि इसकी जो प्योर पावर है उसको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करा जाए और इनकी जो वीकनेस बेसिकली इज वेट इज बॉडी वेट इज सो हाउ मच वेल कैन यू एक्चुअली मूव इज ओन बॉडी वेट मेरी कोशिश है कि इनको इसकी जो इसका जो वेट को ये कैरी इसको लाइट फील करा जाए जो भी जिस वेट पर ये मूव करता है आज पानी पिलाओ यार मोहित भाई यार इसको पानी पिलाओ प्लीज मैं बोलूंगा मैं हां अच्छा बात सुन तू इज द फिनिश क्रिकेटर इन क्वेटा गाल्डीटर्स राइट नाउ मेरे अलावा तुम्हारे अलावा यस अच्छा और सरप्राइज है उनके अलावा कौन है फिटनेस यार अहमद भाई की देखिए फिटनेस काफी अच्छी हुई है पहले से हीरो थ्री हां कितने परफॉर्मिंग हां शेयर से काफी परफॉर्म हां तो यार आई गेस अहमद भाई इज वन ऑफ द इंटरनेशनल क्रिकेटर्स में तुम्हें कौन सा लगता है सबसे ज्यादा जब सब लोग इंटरनेशनल टीम में आ रहे हैं और तुम लोग देख रहे हो कि इनका एटीट्यूड इन द ड्रेसिंग रूम तुम लोग तुम्हारे साथ दूसरे के साथ कैसे चल रहा होता है Bro, like seriously, मैंने जितना अभी तक नोटिस किया है कि यंगस्टर्स को ना काफ़ी बूस्ट मिलता है जब लाइक इतने बड़े नाम हो ड्रेसिंग रूम के अंदर जिनके साथ आप कभी ड्रीम करते थे कि हाँ हम इनके साथ खेलेंगे तो उनके साथ आप बैठ जाए दो मिनट और वो लाइक बहुत आपसे खुल के बात करेंगे अपने बारे में कि हम क्या क्या करते हैं और इसलिए आजम को मैं अभी कोशिश करूंगा कि 3-6 रेप एक्सप्लोसिव हैवीवेट लेग प्रेस कराऊं अभी जस्ट गेटिंग हिम वार्म्ड अप विद 3 रिवर्स लंच स्नैचेस जस्ट टू कीप हिज बॉडी एक्सप्लोसिव तो फर्स्ट वी आर गोना डू 3-6 रेप्स हैवी दिस इज द फर्स्ट सेट ऑफ 3 लेट्स गो चैंप
हैवी लेग्स पे मेरी कोशिश ये थी कि इसको एक्सप्लोसिवली मूव कराओ. ये आसान काम नहीं है कि दोनों लास्ट आर्म्स के साथ 20 kg एक्सप्लोरिंग अप. वी आर ट्राइंग टू यूज हिज पावर फ्रॉम हिज कोर एंड हिज लेग्स. इट्स अ मूवमेंट वेयर द वेट इज गोइंग फ्रॉम द बॉटम ऑल द वे अप, बट द रियल पावर इज कमिंग फ्रॉम योर लेग्स एंड योर कोर एंड देन योर हैंड इज जस्ट बेसिकली देयर फॉर द मूवमेंट. आज लेट्स गो बैक हैवियर. तुमने कभी कैबिन पीछे उठा कर भी गोल्फ खेली? नहीं, बट गोल्फ खेली नहीं लेकिन अभी लेकिन खेलनी चाहिए ब्रो. से इन लोगों की सबकी गोल्फ पे मार्टिन गप्ताली वो मुझे काफी बता रहा था. मैंने सोचा कि तुम जो छक्के मारते हो हाँ बिकॉज ऑफ द गोल्फ स्विंग होता है. यहाँ होता है अपने जैसे छक्के मारता हूँ पहले अपने इंटरनेशनल करियर में मैं इतनी मारता जब से मैंने गोल्फ खेली स्टार्ट. उसको पूरे उनको होते हैं कि प्रैक्टिस नहीं करेंगे लेकिन गोल्फ खेलने जरूर जाएंगे. मेंटली तौर पे उनको पता नहीं बंदा बैठा है कि गोल्फ का सीन ही है ना लाइक जितना आपसे खुलेगा उससे अच्छे आपके तुम्हारे भी वही सीन है कि तुम्हारे अंदर इतनी बेस तुम्हारी इतनी सॉलिड है तुम्हारे अंदर इतनी पावर है कि तुम ये नहीं कि तुम दुबले थे और तुमने वेट को जॉन किया. तुम हमेशा से ही ऐसे थे लेकिन तुम मार्जिन से 20-21 साल से इसी वेट के साथ बहुत अच्छे शॉट्स खेल रहे हो. एथलेटिक हो, एथलेटिक तुम्हारी बड़ी अच्छी है. जब यू कीप गोइंग ब्रो व्हेन यू लूज दिस यू गोना कीप दैट स्प्रिंट दैट यू हैव इन योर लेग यू विल बी मोर पावरफुल. सो लेट्स गो. ये हमारे चैंपियन हैं सभी भाई. ये हमारे दूसरे चैंपियन रजा भाई. हम लोग इनके आउटस्टैंडिंग जिम कार्बन फिटनेस आए हुए फेज 8 में. फ्लेक्स से ज्यादा जितना इनको क्रिकेट का शौक है शायद हम दोनों के मुझे और आदू कंबाइन भी नहीं होगा. हर बंदे का स्टैट टीवी पे फोन क्या कह रहा है सब पता है. मुझे मुबारक हो, मैंने बोला शादी हो गई पाकिस्तान जीत गया आज. ये आज की बात है. तो वेलकम ब्रो. कैमरा में हाय बोल दे. हाय सभी सभी रजा एमबीएन मुझे थोड़ा ज्यादा बोलते हुए. अच्छा सुन तो तेरे फेवरेट टीममेट कौन है बीपीएसएल में लास्ट ईयर? कौन है तेरे फेवरेट टीमों में? टीममेट फेवरेट यह बड़ा मुश्किल सवाल है लेकिन हमारे एक असिस्टेंट मैनेजर है वो कार भी चाहिए. अच्छा दादा कहते हैं हाँ उनको ब्रो आप हम अभी ज़रा बताएं. लोग बर्पीज़ करते हुए घबराते हैं, नहीं करने का दिल चाहते हैं. हमने इसके मेंटल चैलेंज के लिए एक गेम रखा, एक चैलेंज रखा. इन 10 डेज 100 बर्पीज ईच डे, सो दैट्स 1000 बर्पीज इन 10 डेज विद कैचेस. सो ही इज़ ऑन नंबर डे नंबर 8 नाउ और 7 नाउ. सो 700 कैचेस इन विद 700 बर्पीज. एक्चुअली आज थक रहे हैं, आज कैमरा भी ऑन है तो पता नहीं अब ये पूरी जान मारेगा कि नहीं, लेकिन अब आज भी हम लोग कराना ज़रूरी है. इट इज़ ऑल फॉर द मेंटल वर्क नाउ. अभी बेसिकली आजम के एंड ऑफ इस कंडीशनिंग है. अभी बेसिकली इसके 3 स्क्वाट जंप्स है, उसके बाद स्प्रिंट, 3 पुशअप्स, कम बैक, 3 स्क्वाट जंप्स अगेन, देन ही हैज 10 कैचेस साइड टू साइड जस्ट टू से एक्सप्लोसिव एंड लाइट ऑन हिज फीट. तो रेडी हो जाओ, रेडी टू गो. 3 स्क्वाट जंप्स, बिग जंप्स, लेट्स गो. So basically training Azam, what I saw in these last 2 months is the fact that he has pure power. He actually has so much power that he needs longer rest periods too. You have to also see what kind of body type he is. He has so much power that he can actually explode so much. Lekin ki jo weaknesses hain that he needs to basically move on his body weight.
मेरी कोशिश ये होती है इसके साथ कि इसको इस वेट पे लाइट फील करा जाए, इसी वेट पे इसको एक्सप्लोसिवली फास्ट फील करा जाए। तो मेरी कोशिश यही है कि इसको जितना मैं हैवी वेट दे सकता हूँ उसको बहुत ज़्यादा मूव करते रहे, उसमें इसकी कंडीशनिंग भी होती जाती है, इसका हार्ट रेट भी बेहतर होते जाते हैं। सो लेट्स गो, इट्स आवर लास्ट वर्क वी डूइंग टुडे, इट्स कॉल्ड द हाफ बर्पी कैचेस। सो आज़म, व्हेनेवर यू आर रेडी, लेट्स गो। यहाँ पे होता क्या था कि जब मैं अमेरिका से यहाँ पे पहली बार आया था 10 साल पहले, तो मेरे पास प्रोटीन शेक होते थे, मैं जिम में जाता था, क्रिकेटर्स सभी प्रोफेशनल क्रिकेटर्स बोलते थे जिम में बेकार चीज़ है, फिटनेस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, ग्राउंड ट्रेनिंग होनी चाहिए। अब सब वही क्रिकेटर्स होते हैं जो जिम को उनको आना पड़ रहा है, उनको पता है उनकी क्रिकेट उस चीज़ में बेहतर हो रही है। हम पाकिस्तानी हमेशा से बहुत स्किलफुल रहे हैं, एज व्हाट साउथ अफ्रीकन्स ऑस्ट्रेलियंस हैव टोल्ड मी पर्सनली। वहाँ पे देव बचपन से ट्रेनिंग, जिम ट्रेनिंग, ग्राउंड ट्रेनिंग हमेशा से रही है, यहाँ पे हमेशा से स्किल पे काम करा जाता है। इनकी गलती नहीं है कि इनको फिटनेस के बारे में इतना पता नहीं है, यहाँ की नॉलेज बहुत कम है। लेकिन अब वही चीज़ ऊपर जाती जा रही है, लोगों को फिटनेस के बारे में अवेयरनेस बढ़ रही है, न्यूट्रिशन के बारे में बेहतर पड़ रही है। सो प्लेयर्स लाइक कैप्टन सरफराज अहमद, लाइक आज़म, इन शॉर्ट टाइम यू स्टार्टेड टू लूज वेट, लूज बॉडी फैट, गेट स्ट्रॉन्गर, बिकॉज दे नो इट्स नॉट दैट कि फिटनेस जाके बॉडी फैट गिराने, दे नो इफ दे गो देयर they'll sleep better, they'll eat better, they'll feel stronger, confidence आएगा। best चीज़ क्या है कि जब back to back matches होते हैं next day की recovery होती है। इस दिन आज़म भी पूरी जान match में मारेगा, अगर fit नहीं होगा तो जो next day इसको 3 दिन लगेंगे पूरी body 100% recover करते हुए। जब बंदा training करता है थका हुआ होता है फिर भी रात को आके जिम आके करता है या सुबह जिम करता है कोहली की तरह या शान मसूद की तरह, बिकॉज उनको पता है कि सुबह सुबह वो एफर्ट मारेंगे, एक तो उनको मेंटली तौर पे एक सुकून मिलेगा कि यार दे वर्किंग हार्डर, लेकिन उनकी बॉडी में उनको कितना फ़ायदा देगा बाद में जब 100 करेंगे, बड़े रन करेंगे, जब थकेंगे तो उन पर एक्स्ट्रा एक एनर्जी, एक अंदर से एक गैस टैंक आएगा। अब आपको पता है पाकिस्तान में भी फिटनेस टेस्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इफ़ यू डू वेल, ये लेकिन इस चीज़ के लिए कि फिटनेस टेस्ट पास करने, आपकी फिटनेस बेहतर होगी तो आपकी परफॉर्मेंस बेहतर होगी। बाबर आजम इज रैंक नंबर 1 इन द वर्ल्ड, इज वन ऑफ द फिटेस्ट क्रिकेटर्स इन द वर्ल्ड, बिकॉज ही टुक फिटनेस एट अ यंग एज एंड ही न्यू हाउ ही मैक्सिमाइज हिज टैलेंट विद हिज हार्ड वर्क एंड गेट देयर इंशाल्लाह। क्वेटा ग्लैडिएटर्स को हम पूरे दिल से इस बार थैंक यू ब्रो सपोर्ट करेंगे। अच्छा तो अभी चेंज नहीं दिखा रहा, जो वेब ब्रिचेस ने तुमसे बोला था कि देखो पहनोगे तो बहुत बड़े प्लेयर बने, मेरी सर्विस से बात हुई ना, तो सुपर स्टेशन के लिए इसने गोल्ड पहनते थे, बट दिस इज स्टेनलेस स्टील में सिल्वर भी चमक रहे हो तुम ब्रो। लाइक सैटरडे के रात के 9 बजे और तुम अभी भी रात के 9 बजे सैटरडे को सेशन मार रहे हो, पूरे हफ्ते में इतने मैचेस खेलने के बाद, ट्रेनिंग के बाद भी तुम एफर्ट डाल रहे हो, you will perform bro, inshallah you will do well, because you put so much hard work and effort into it. logo ko nazar thodi aate hai ki tum actually effort kitne kar rahe ho, tumhari galti nahi hai, meri galti to nahi hai, hum log kiske bete hain bro, tum kitni uske baad mehnat karke usko justify kar rahe hote ho ki tumhe apna naam banana hai, wo effort nazar aa rahi hoti hai। saturday aaj hai right, log abhi dinners kar rahe hain, netflix kar rahe hain, chill kar rahe hain, to raat ke 9 baje training kar rahe ho। ये नहीं है कि मुझे नहीं लगता कि ये फोकस तुम्हारा अभी, तुम्हारी फोकस बहुत टाइम से पहले था, लेकिन अब एक स्ट्रक्चर आया, एक सिस्टम आया, एक डिसिप्लिन आया ज़िंदगी में जो मैच्योरिटी के साथ आते हैं, तो आई एम हैप्पी टू सी दिस राइट नाउ। इस दफ़ा का PSL आई बिलीव कि बहुत कम्पेटिटिव होगा, वो इसलिए क्योंकि सारी टीम बैलेंस है, सबके पास अच्छे बॉलर्स भी हैं, बैट्समैन भी सबके पास अच्छे, तो आई थिंक हमें ये नहीं बोल सकते कि नहीं क्वेटा क्वेटा जीतेगी, तुम्हें क्या मसला है, भाई के सामने डिप्लोमेटिक, मैं जा रहा हूँ। आई बिलीव कि हमारे पास जो 3 बॉलर्स हैं दे बॉल ओवर 150 KPS, सही है, जिसमें हसनैन है, नसीम शाह एंड टिमाल मिल्स, तो ये 3 बॉलर्स ऐसे हैं कि ये हमें ब्रेक थ्रू दिला सकते हैं। अभी कितने साल हो गए क्वेटा के साथ? मेरा अभी 3rd साल। तो तुम्हें क्या लगता है 3 साल में राइवलरी कौन सी दूसरी PSL की टीम है, तुम जो कैसे थे क्योंकि इतना यंग है PSL itself, do you think there's a rival team, rival franchise, कौन सी होगी? मैं पेशावर दलवी। हम लोग जब पेशावर दलवी और क्वेटा का ओनर दोनों ओनर दोस्त हैं, दो सब सारी एक दूसरे में तो नहीं है, नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं होता, लेकिन इन द ग्राउंड
हम लोग तो बस कुछ भी कर लेंगे लेकिन ग्राउंड के टू एट कौन ज्यादा जीता है पेशावर या क्वेटा काय काय लास्ट ईयर वी वन 4-0 फ्रॉम पेशावर जल्दी इवन इन द फाइनल हमने उनको लाइक आउट क्लास कर दिया तो आज के ओवर द इयर्स इतनी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं रही है या मे बी क्वेटा के जो टॉप कराची के जो टॉप प्लेयर है क्वेटा से खेलते हैं तो इसमें तुम्हें लगता है कि क्वेटा और कराची के बीच में फ्यूचर में कोई राइवलरी बन सकती है उनकी इस बार टीम एक्चुअली बहुत अच्छी है एंड दोनों का मैच भी फर्स्ट वीक में एक सेट कर सकता है टोन को एग्जैक्टली क्वेटा और कराची के जब भी मैच होता तो हम काफ़ी वो होते क्या क्योंकि हमारे जो ज़्यादातर लड़के वो कराची से हैं तो इस बार भी काफ़ी ज़्यादातर लड़के कराची और सिंध से ही हैं ज़्यादातर तो ये मैं समझता हूँ कि हाँ अच्छा लगता है जब हमारी क्योंकि हमारे ज़्यादातर जो प्लेयर्स हैं वो टीम के हैं तो हम लोग जेल इतना होते हैं कि एक ही क्लब के हैं तो सबको पता है कि कौन कैसे खेलता है आजम ने कभी तुमने विकेट कीपिंग के छोड़ दी है नहीं विकेट कीपिंग में करता हूँ लेकिन आई थिंक एज अ बैट्समैन आई नो आई कैन प्ले और मैं टीम में जगह बना सकता हूँ एज अ बैट्समैन तो मेरा लाइक ज़्यादातर तो पावर हिटिंग का शौक है लेकिन अब काफ़ी वनडे गेम्स वगैरह में कोशिश करता हूँ कि भाग के भी रन बनाऊँ तो उसमें अच्छा लगता है कि इनिंग्स बिल्ड करनी आ जाती है What was the most difficult bowler you've ever faced? Most difficult? I think it was Muhammad Amir, but I was quite young at that time. I was like 15 when I faced him. कौन से bad bowler ने सबसे ज़्यादा तुम्हें shit talk किया? Shit talk? Basically हम लोग under 19 खेल रहे थे in Islamabad. तो वहाँ diamond पे top green wicket होता आपको पता है diamond पे खेलोगे for sure. तो वहाँ मुझे बॉलर ने बाउंस मारा तो मैंने टच कर दिया तो उसने आगे मुझे वही दो तीन गालियाँ दी मैंने कहा यार जानी मुझे तो क्रिकेट ही खेलना ना हाँ तो इतनी देर में अंपायर आ गया ये बड़े होते हैं कि हमारे खिलाफ लोग हमें ऐसे पिन करते हैं ऐसी चीज़ें बोल देते हैं हम लोग रिएक्ट भी नहीं कर सकते क्योंकि हम लोग जब रिएक्ट करते बोले यार देखो डिसिप्लिन नहीं है exactly. You know, he's coming from a privileged background, तो कितना तुम्हारे लिए मुश्किल होता है इस चीज़ को कैरी करना कि लोग तुम्हें एक दूसरी नज़र से देखते हैं नॉट नोइंग यू अगर तुम्हें कुछ चीज़ बतानी होती है अभी वहाँ पर जो अपॉर्चुनिटी होती है अपने बारे में कुछ शेयर करनी अपने बारे में कुछ बताने के लिए तुम क्या बोलते हो मैं सिर्फ ये बोलता हूँ देखिए जो मीम्स वगैरह होते हैं उससे तो मैं उसको तो मैं एज अ पॉजिटिव वे में लेता हूँ अच्छी जा रही है उसको बात नहीं करनी लेकिन लोग ये नहीं समझते अगर क्रिकेटर का बेटा है तो वो क्रिकेट नहीं खेल सकता क्यों नहीं खेल सकता भाई उसका कोई स्पेसिफिक रीजन दे रहे खेल रहे तो यहाँ ये लोगों को बस एक चीज़ समझ नहीं आती दे थिंक ये बस बहुत आसान है आई बिलीव हम लोगों के लिए और मुश्किल है इस बार सुभाष भाई इस बार उतनी ज़्यादा खुश होगी उन्होंने तुझे लास्ट ईयर बोला था कि फिटनेस पे काम करो इस बार तुमने अच्छी खासी मैं उनको भी देख रहा हूँ काफ़ी खुश है अभी तो फील्डिंग वगैरह सेशन में भी काफ़ी ट्रेनिंग वगैरह हर चीज़ में बोलने के बहुत अच्छी कर रहे हो लेकिन ऐसे कंसिस्टेंटली मुझे अब करना है एक डेढ़ साल और मैं करूँगा तो आई एम श्योर कि मैं कैटेगरी लाइक फिटनेस वगैरह में बहुत अच्छा हो जाऊँगा और इवन अगर कभी कैंप वगैरह में बुलाते हैं या अच्छा मिलियन डॉलर सवाल तो मैं पूछने वाला हूँ तुमसे चॉकलेट या आइसक्रीम आई विल गो फॉर आइसक्रीम चलो चॉकलेट आइसक्रीम वसीम अकरम या शुएब अख्तर वसीम अकरम एवरी सरफराज अहमद या मोइन खान बता ना एक देखो घर में मोइन खान बाय नहीं नहीं ये जी गलत गलत आदमी एक सवाल वापस तुम्हारा ये तुम्हें एक तरह की जवाब देने ठीक है आई थिंक मोइन खान मोइन खान हु इज द बेस्ट बैट्समैन इन द वर्ल्ड Right now? Right now. Good hard work. Definitely. Good luck to you, inshallah. Good hard work. These 2 months, we have 12 days more to train. Inshallah. So, Puri, we have to put our effort in. Inshallah, see you in the DSL. Good luck, darling. Love you. Inshallah, come on. Let's go. Let's go.